हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सतीश गेमिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने हाउस को कैसे चेंज कर सकते हैं और हाउस का चिप कोड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इंडियन बाइक एंड ड्राइविंग 3D में आप पुलिस ड्रोन को कैसे ले सकते हो। और दोस्तों, मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में पुलिस ड्रोन को ले लिया। और दोस्तों, मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आर्मी टैंक को भी ले लिया है और आर्मी टैंक को कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में मैंने स्पाइडर मैन को ले लिया है। और दोस्तों, आप लोग इस चीज को लेना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों, आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन पे सेलेक्ट कर दो। और दोस्तों, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपको चिप कोड बताएगा। और दोस्तों, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आप ड्रोन को कैसे ले सकते है और आर्मी टैंक को कैसे ले सकते है और स्पाइडर मैन को कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट कब आने वाला है और इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट में आपको कौन सी न्यू चीज देखने को मिलेगी और रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बताया है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते स्पाइडरमैन की। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में स्पाइडरमैन को एड नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो कॉपीराइट है, इसीलिए रोहित गेमिंग स्टूडियो इसको एड नहीं कर सकते। और दोस्तों, अब बात कर लेते आर्मी टैंक की। और आर्मी टैंक अभी तक एड नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोग एड कराना चाहते हो तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, तभी आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आर्मी टैंक देखने को मिल सकता है। और हमारा जो पुलिस ड्रोन है वो भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में न्यू हाउस को कैसे ले सकते है। और न्यू हाउस को लेना चाहते हो तो कॉमेंट करो और हम लोग रोहित गेमिंग स्टूडियो से बात करेंगे और इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के इस अपडेट में न्यू हाउस को देखने को मिल जाए। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में न्यू अपडेट में कौन सी बात कंफर्म की है रोहित गेमिंग स्टूडियो ने और कौन सी बात की है कंफर्म करने के लिए। और रोहित गेमिंग स्टूडियो ने अब नाइट मोड को कंफर्म किया है और दोस्तों, फायर इंजिन को भी कंफर्म किया है। दोस्तों, रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बताया है कि इस मंथ के लास्ट में अपडेट देखने को मिल जाएगा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट में। वर्क रोहित गेमिंग स्टूडियो ने स्टार्ट कर दिया है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रोहित गेमिंग स्टूडियो सेंड करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस अपडेट देने से पहले रोहित गेमिंग स्टूडियो जो जोरासी पार्क के अंदर आपको इंडे देखने को मिलेगा ना, उसके अंदर आप फायर करेंगे तो उसमें से आपको डायनासोर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।